महारात्रि महारात्रि तो ये कालरात्रि है, ये दिवाली का ठीक है। तो इससे पहले से यक्ष रात्रि कालरात्रि इस नाम से, क्योंकि जो दिवाली का जो प्रचलन है वो 17वीं शताब्दी से आया है, और वो कहाँ मिलता है इसका प्रमाण धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों में मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि साहब राम जी और ये हुआ, ये बड़ी भ्रामक धारणा बनाई जा रही है, जबकि इससे पहले दिवाली का प्रचलन तो बहुत बाद में आया, दिवाली शब्द ही बहुत बाद में आया। तो बात में कर रहा था कि उस समय जो है कहते हैं कि शकुंतला वो उनके लिए उत्सव जो आते थे फाग आदि आते थे उनके लिए कब आता था, जब फूल खिलते थे, जब क्या होते थे सच्चे अर्थ में। आप बताइए फूल खिलने का समय कब आता है, कौन सी ऋतु होती है वह जब फूल खिलने का समय आता है, बसंत। कौन सी ऋतु होती है, बसंत। हमारे नाटकों में बसंत का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, कालिदास के लिए तो एक बहुत बहुत ही सुंदर एक ऋतु संहार नाम का पूरी पूरी रचना करी जिसमें छह ऋतु का वर्णन है, और उसमें बसंत का भी सुंदर वर्णन आता है। और एक सुंदर सा श्लोक उन्होंने कुछ यूं टेरा, धुमास पुष्पा सलिलम सपद्यम स्त्रिया सकामा पवन सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसा सरम्या सर्वम प्रियम चारुतरे वसंते। द्रुमास पुष्पा चारुतर क्या है, द्रुमास पुष्पा वृक्ष है वो फूलों से खिली हुई है, द्रुमास पुष्पा सलिलम स पद्म और जलाशयों के अंदर तालाबों के अंदर कमल खिले हुए हैं, स्त्री सकामा पवन सुगंधी चारों तरफ बहुत ही वासंती सुगंधी हवा चल रही है। ये मित्र कहो बसंत की लाइन है, बसंत आता है हमारा मन आनंदित हो जाता है। हमारे और संस्कृत के जितने भी रचनाकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, चाहे वो संस्कृत के और अन्य विधा के हो, उनकी लेखनी भी जो है बसंत के समय बहुत अच्छी चलती है। और संस्कृत में ज्यादातर कवियों ने, हमारे प्राचीन नाटककारों ने संस्कृत में जो है बसंत का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और नाटकों में तो ऋतु का वर्णन भी किया हुआ है, ऋतु का भी हुआ है, उस देश काल का भी होता है, परिस्थिति का भी होता है। तो यही हमारे नाटक की परंपरा रही है। तो आदो वह कुसुमय प्रसूति समय ये ठीक है, उसका उत्सव कब होता था शकुंतला का, जब उसपे फल फूल आते थे। सेयम याति सायम सेयम, सेयम क्यों आया यहाँ पे बताइए, कोई बताएगा आप में से, सा प्लस यम, क्योंकि शकुंतला स्त्रीलिंग में है इसलिए सा धन यम सा मानी वह कौन शकुंतला, यम यम मानी यह कौन जो जा रही है, जाने वाली कौन, कहाँ जा रही है, अपने पति ग्रह की ओर, यह मनी यह वह मेरी लाडली बिटिया यह शकुंतला, सो यम याति शकुंतला पति गृहम, आज शकुंतला जा रही है इसलिए हे तपोवन के वन वृक्षो उन्हें जाने की अनुमति दे दीजिए, उन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। थोड़ी देर के अंदर बड़ी बारिश होती है और उन वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, मानव की प्रकृति मोहन इजाजत दे रही है शकुंतला को जाने। आज हम जितने फूल मिलते हैं उनको तोड़ने में नहीं करते, पेड़ सूख रहा हो रहा है, हमें पेड़ों की सिंचाई उनका लाल पासन करना चाहिए ठीक है। दूसरा श्लोक ये था। तीसरा है क्या कि एक बेटी अपने पिता के घर से जब पति के घर जाती है तो उसके लिए क्या संदेश होना चाहिए, और वह संदेश आज की बेटियों के लिए अनूठा मंत्र है, वह क्या है, शुशु सस्व गुरु न गुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भरतो विप्रकृता पिरोषणतया एमास्वं प्रतीपं गमा भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने पाके स्वनोत्सेकिनी यान्तेवं त्रिणी युवतयो वामाकुलस्यादये। हे बेटी, वो अपने शकुंतला को संबोध करते हैं, मेरी लाडली बेटी आज तुम जा रही हो मेरे घर से, इसलिए क्या करना वहां पर, सुश्रु सस्व गुरु न गुरु तुम्हारे सास ससुर की और अपने से बड़ों की सेवा करना, क्या करना, आज सेवाएं नहीं करती है, आज परिवार दरक रहे हैं, मान रिश्ते जो हमारे दरक रहे हैं, जो परिवार बिखर रहे यही बिखरने के कारण। तो हे बेटी तू अपने जाकर के और वहां सास ससुर की सेवा करना, अपने बड़े गुरुजनों की सेवा करना ठीक है। सुश्रु सस्व गुरु न गुरु प्रिय सखी सप्रतिम जने, क्योंकि दुष्यंत के आपको पता है दुष्यंत एक राजा थे, उस कालखंड में कई शादियां हो जाती थी, तो राजा कई शादी आपके दुष्यंत की और भी रानियां हैं, इसलिए उनके सोतन जैसा नहीं कैसा व्यवहार करना, सखी जैसा व्यवहार करना, कैसे करना, आपकी सखी जैसा सहेली जैसा व्यवहार करना। भरतु भरतु
हमारी भर्ता भर्ता शब्द है ये पिता की तरह ही, भर्ता षष्ठी षष्ठी का एक वचन है, भर्तु हो स्वामिन भर्तु भर्तु, यहाँ पे भर्तु किसका प्रतीक है, दुष्यंत से दुष्यंत के, भर्तु विप्रकृता भी दुष्यंत के क्रोधित होने पर भी आप क्रोध न करना। आज यही कारण है कि पति क्रोध करता है तो पत्नी उसे दो गुना क्रोध करती है, और वही होता है कि पत्नी अपना बैग उठा करके और चल देती है, उनका घर एक ताड़ा लग जाता है। तो ये है, ये नाटक हमें बताते हैं कि हमें इनको सहेजना चाहिए, हमारे ज्ञान को जो हमारा विरासत है उसको बचाना है। पति के विपरीत होने पर भी विपरीत नहीं होना, जो भी बात है गुस्से में नहीं कहो, पहले उनकी सुनिए तो सही। भूयिष्ठम बहुत दक्षिणा, गरीब वाकई याचक मांगने के लिए आए तो उसे प्रचुर मात्रा में जितना आप, क्योंकि आप एक महाराजा की महारानी बनेगी, इसलिए उनको जितना आपसे हो सके उनको प्रचुर मात्रा में दान देना। आपके पास यदि दान है तो देना, ऐसा नहीं कि आप जो है एक वो अहंकार, तो क्या है, भक्तो विप्रकृता परोसनेतया मास्तम प्रतिपंगम है भूयिष्ठम बहुत दक्षिणा, गरीब को दान देना और भाग्य सदुपयोगी एक महाराजा की महारानी बनेगी, इसलिए अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है। क्या होता है, ये हमारे आंतरिक शत्रु है, कौन से, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, ये हमारे जो पांच दुश्मन है, इनमें अहंकार भी सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार जब आता है तो हमारा जो है वो पूरा का पूरा जो ज्ञान है हमारा बिल्कुल, जितना ही बड़े हम शास्त्रों को पढ़ेंगे हमारी बुद्धि उतनी निर्मल हो जाएगी और हमारा अहंकार अपने आप धीरे धीरे खुद पर खुद निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बेटी इन नियमों का जो अनुवर्तन करेंगी वो वास्तव में एक कुल की गृहिणी कहलाएंगी, एक कुलवान एक संस्कृत बेटी बहू कहलाएंगी, और इनके विपरीत जो चलेंगी वो उल्टा स्त्री कहलाएंगी, क्या कहलाएगी, इसलिए बेटी मेरे इन नियमों को और मेरे इन मंत्रों को अच्छी तरह से पल्लू के गांठ लेके बांध लीजिए। तो ये आपने आज देखा कि आपने प्रश्न किया था मुझसे कि कालिदास का जो है वो नाटक अच्छा क्यों माना जाता है, कालिदास के नाटकों का ये आपका तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक जो है वो ये है कि बेटी जब विदा हो जाती है, पहले बेटी को क्या होता था, जलाशय तक भेजा जाता था, कोई भी जलाशय होता था वहां से उसको विदा किया जाता था, वो क्यों किया जाता था आप बताइए कि जलाशय तक क्यों, हम अपने पानी का महत्व बता सके, पानी का महत्व है, आज जलाशय तक क्योंकि पानी होता था, उस पानी को साक्षी मान करके और वहां से भेजा जाता था, आज पानी नहीं है, कुएं नहीं है, तालाब में पानी सूख गया है, आज छोटा सा वो पात्र होता है, घर के बाहर गाड़ी होती है और वहीं से हम बेटी को विदा कर देते हैं, तो हम उसको, हमें इन बातों को समझना होगा, हमें इस हमारी अपने पुरानी जो स्रोत है, जो कुएं तालाब ये जो थे उनके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे, उस कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, तो इनको पेड़ पौधे लगाने का अर्थ ये, तो ये आप हमें एक व्याख्यान में सुन रहे हैं आप, इसका प्रयोग नाटकों का जो मंचन करेंगे तो पेड़ों को बचाओ, चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा आपने, तुम पेड़ों को बचाओ और तभी हम बचा पाएंगे। तो इस नाट्य विधा से क्या है, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ अभी इसको प्रायोगिक रूप से समझ देंगे, इसका एक वो अलग है, इसके साथ जो प्रस्तुति जो मंच पे कर रहे हैं आप, जो मंच पे जैसे करेंगे अभी ये जो प्रस्तुति हम बात कर रहे हैं नाट्य विधा की, जैसे पिछले भी आपने इनके नियमों के बारे में समझाई है किस तरह की परंपराएं रही है, तो अब इनका जो करेंगे तो वहां पे देखने वाले दर्शकों में तुरंत उनमें जो है उस तरह के भाव पैदा होते हैं, क्या होते हैं, तो ऐसा ही जो अंत में वो कहते हैं कि बेटी जो है आगे कहते हैं कि उजला सिंह के उनको बेटी को विदा करते हैं और संदेशा देने के बाद कहते हैं अंतिम श्लोक कुछ यो गाते हैं, अर्थो ही कन्या पर तामाद्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातो ममाया विशद प्रकामं प्रत्यापिन्यासैवान्तरात्मा, क्या अर्थो ही कन्या बेटी निश्चय ही पराया धन, लेकिन आप सोचिए क्या बेटी पराया धन होती है, कदापि नहीं, बेटी यदि पराया धन होती तो महर्षि कर्व के अंत जो पहले ही श्लोक ने कह डाला कि मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा, मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, जैसे मुझे जुखाम लग रही है, जैसे मेरा गला जुखाम से जैसे इस समय जब, तो ये जो है उनका गला अवरुद्ध क्यों हुआ, उनके दुख के कारण, जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनसे बोलने से पहले उनकी आवाज निकल रही है। तो बेटी एक पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है उल्लेख किया, लेकिन सच में बेटी पराया धन नहीं है, उनके कहने का अर्थ अर्थो ही कन्या पर किए तामद्य, ताम यानी किसको,
काम के काम काम शकुंतलाम उस शकुंतला को अद्यमिनी आज अद्यमिन से आज संप्रेषमनी भेजगर संप्रेषमिन से परिगत जातो ममाये विस्तय प्रकामम प्रकर्पित न्यास इवान करात्मा मैं आज बहुत अच्छे से सुखी नींद ले पाऊंगा आज मैं सुख से चले सुखी नींद को क्योंकि एक बेटी के लिए एक पिता के लिए जब बेटी की विदाई जब नहीं होती है तब तक उसके मन में चिंता रहती है चिंता की वक्र लकीरें होती है और आपने हिंदी में सुना होगा एक बहुत सा अच्छा चिंता के बारे में ही सुना होगा ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व मन की वैली ज्वालाम के स्पोट की भीषण प्रथम कम पसीमत वाली हे अभाव के चपल बाल के रीललाट की खल रेखा हरी भरे सी दौड़ धूप हो जन्माया की जब तो चिंता जब होती है कहते चिंता चिंता से भी बुरी होती है क्या होती है ये आपकी भाव भंगी में होनी चाहिए जो बोने की कला है ये हमारे नाट्य विधा में चाहिए ये हमारे नाट्य विधा में होनी चाहिए और ये शकुंतला का आपने जो प्रश्न आज के लिए प्रसंग चढ़ा है कि शकुंतला बेटी वाकई पराया धन है तो बेटी पराया धन नहीं है किसी पिता के लिए बेटी पराया धन नहीं होती है बेटी जब अपने घर से जब जाती है तो अपने घर के लिए अपनी जो है वहां जाने वाली उसको का कैसा वातावरण मिले उसको उसी तरह का वातावरण मिले क्योंकि जब बेटी जब जाती है तो एक वेद में बहुत बड़ा साम्राज्य ससुरे भव है ये जो मंत्र बोला जाता है कि तुम जाकर के अपने ससुराल के अंदर राज करो वो मंत्र जो होता है वो नारी शिक्षा को सशक्तिकरण का संदेश देता है वह महिला शिक्षा का संदेश ऋग्वेद में देखिए बात ऋग्वेद में बहुत अच्छी से बात कही हुई है जो आठ मंत्र जो हमारे इसमें जो फेरे दिए जाते हैं सात फेरे जो दिए जाते हैं उनकी जो सात फेरे दे करके और जब उनको विदाई का समय जो परंपरा जो अनूठी परंपरा दी जाती है उन मंत्रों के माध्यम से यही भाव चुके उनके नियम है उनके नियम यही बताए जाते हैं परिक्रमा के साथ में कि आपको किस तरह से आप पति और पत्नी आपस में किस तरह से जोड़े के रूप में बन के एक दूसरे सुख रूप में भागीदार बनना समझे तो ये जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो आपने प्रकरण किया है इस प्रकरण का सही अर्थों में सही मायने में आज हमें पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम करता है नाटक है ये नाटक हमें संदेश देता है ये नाटक हमें ये संदेश देता है कि बेटी आज जो है बेटियों किस तरह संस्कारी होकर के अपने ससुराल के वातावरण को बनाना चाहिए किस तरह से अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को रोकना चाहिए किस तरह से प्रकृति से पेड़ों से लगाव करना चाहिए यही इसमें संदेश दिया है क्योंकि सच्चे अर्थों में आज बेटी और बेटी का शादी होती है बेटा होता है हमारा बेटा साहब इतनी वो बन गया है उसके लिए ये करें वो करें हम दहेज के लिए बात की जाती है लेकिन सत्य अर्थ में मान लीजिए कि जब तक हर बेटे वाला यह नहीं सोचेगा कि मैं बेटी वाला भी है तब तक ये दहेज दंडम जो है ये दहेज है ये चलता रहेगा इसे में रोकना होगा आज की बेटियों को इस संकल्प को रुकवाना होगा आपको पहल करनी होगी तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हमें ये पढ़ा हम जो है इसका आगे का प्रकरण भी यही चले हमें नाट्य विधा का जो है जो इसकी जो भर्त जो हमारा भर्त का जो नाट्य शास्त्र का जो है इसके अलावा आपने ध्वन्यालोक में पढ़ा कुवल्यानंद में नाट्य परंपरा को पढ़ा और साहित्य दर्पण में जो विश्वनाथ साहित्य दर्पण लिखा उसमें जो इनके लक्षण पढ़े उन लक्षणों के अनुसार अब हम जो जैसे जैसे अपनी परंपरा जैसे हमने चला भाष पे चली हमारी परंपरा इसी तरह से हमारी परंपरा आगे चलेगी तो ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का नाट्य शास्त्र का ये जो आपने जो काव्य सुना कमलम तत्र में शाकुंतला तत्र पीछे चतुर्थों का श्लोक चतुष्टयम तो चौथे की बात मैंने आपको बताई और श्लोक चतुष्टयम ये चार श्लोक ही बताए अब अगला जो प्रश्न है उस अगले का प्रश्न का अभी हम उत्तर देते हैं।